और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, अमरोहा से बड़ी जानकारी है। अमरोहा में सड़क किनारे चल रहे कांवड़ियों को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचल दिया है और दो कांवड़ियों की मौके पर मौत की जानकारी मिल रही है। अमरोहा के थाना डिडौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। तो देखिए, अमरोहा से ये बड़ी खबर आ रही है, दो कांवड़ियों की मौके पर ही जान गई है। ब्रिज घाट से मुरादाबाद की तरफ कांवड़ लेकर के ये कांवड़िए जा रहे थे और हादसे के बाद कांवड़ियों ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ भी की है, ये भी खबर आ रही है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंचाई गई है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए मामला बेहद गंभीर है। जहां दो कांवड़ियों को कुचला गया है, जहां अब तमाम कांवड़ियों में रोष है, किस तरीके की स्थिति है, कितना कंट्रोल पाया गया है, समझेंगे। हमारे सहयोगी अफसर अली फोन लाइन पर मौजूद हैं। अफसर, ये बड़ा मामला है, किस तरीके की जानकारी, ग्राउंड पर अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, आज जो है सावन का पहला दिन है और शिवालय भक्तों में जो है भारी उत्साह है, कांवड़ लेकर अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हालांकि सावन को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, बनवे रोड किया गया था, अन्य तैयारियां की गई थी, आईजी एसपी लगातार जो है वहां का तैयारियों का जायजा ले रहे थे। लेकिन सुबह सवेरे दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ सड़क किनारे दो कांवड़िए मुरादाबाद ब्रिज घाट की ओर से मुरादाबाद की ओर कांवड़ लेकर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार रोडवेज ने अनियंत्रित होकर दो कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन, कई थानों की पुलिस फोर्स ने कांवड़ियों को जाकर समझाया है और जो कांवड़िए हैं उन्होंने बस में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि जो रोडवेज बस ड्राइवर है वो वहां से भागने में कामयाब रहा है, पुलिस जो है ड्राइवर की भी तलाश कर रही है। बिल्कुल, ये बड़ा मामला है अफसर, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल मामला शांत है, पुलिस के पहुंचने के बाद, समझाइश के बाद स्थिति पर काबू पाया गया है। शुक्रिया अफसर जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।